वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कृतिका व्लॉग। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास सिक्स की एक पाठ योजना बनाना बताऊंगी और जिसका सब्जेक्ट है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो कोई भी पाठ योजना बनाने के लिए आप सबसे पहले ऊपर पाठ योजना संख्या डालते हैं। तो जैसे यहाँ पे पाठ योजना संख्या डाला है, आप ऊपर पाठ योजना संख्या डाल लीजिएगा, आपकी जो भी पाठ योजना संख्या हो। फिर उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक में आप वो डेट डालिएगा जिस डेट पे आप इस पाठ योजना को कक्षा कक्ष में रिप्रेजेंट करेंगे। कक्षा, किस कक्षा से आपने प्रकरण उठाया है वो डाल लीजिएगा। विषय, इस सब्जेक्ट का आपने यह प्रकरण लिया है वो यहाँ डाल लीजिएगा। फिर कालांश, जिस कालांश में आप इस पाठ योजना को रिप्रेजेंट करेंगे वो डाल लीजिएगा। फिर अवधि, एक कालांश कितने मिनट की होती है वो यहाँ लिख लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकरण। प्रकरण है भारतीय वनों के प्रकार। अब इसके बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। तो इसमें आप दो तीन पॉइंट डाल दीजिएगा। जैसे पहला है छात्रों में भूगोल शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगा। दूसरा है छात्र अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे। तीसरा है धरातल के वास्तविक स्वरूप से परिचित होंगे। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आप डाल लीजिएगा कुछ पॉइंट, जैसे यहाँ डाला है मैंने, छात्र भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वनों से परिचित होंगे। दूसरा है विभिन्न प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम जान सकेंगे। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है सहायक सामग्री। तो इसमें आप डाल लीजिएगा प्रकरण से संबंधित एक मानचित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप डालिएगा जैसे कि छात्र कुछ वृक्षों के नामों से परिचित हैं जो उनके आसपास के परिवेश में पाए जाते हैं। फिर आपको अगले हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न। तो आप इसमें तीन कॉलम बना लीजिएगा, क्रम, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। तो इसमें आप कुछ प्रश्न लिख लेंगे, जैसे मैंने बनाया है अपने आसपास में पाए जाने वाले कुछ वृक्षों के नाम बताइए। तो यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा आम, अमरूद, अनार, नीम आदि। फिर अगला प्रश्न है कुछ कटीले पौधों के नाम बताइए, नींबू, करौंदा आदि। तीसरा है आम और नींबू के पौधे में उत्पत्ति के अनुसार क्या अंतर है। तो यहाँ छात्र कुछ आंशिक उत्तर देंगे। फिर आप उद्देश्य कथन बताएंगे, बच्चों आज हम लोग भारतीय वनों के प्रकार के विषय में जानेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आप दो कॉलम बना लीजिएगा, से छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में आप लिखेंगे अपने देश में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप इन 5 प्रकार के पहले नाम लिख लेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा है मरुस्थलीय वन, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है ज्वारीय या दलदलीय वन। तो अब बारी बारी से आप इनके बारे में लिखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैसे लिखेंगे, इस प्रकार के वन 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनमें रोजवुड, महोगनी, एबोनी, ताड़, रबड़, नारियल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इस तरह आप दूसरे वाले में लिखेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, ये वन 100 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं।
ये वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे वन भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष नीम, महुआ, बरगद, आंवला, जामुन है। फिर इसी तरह आप मरुस्थलीय वन के बारे में लिख लेंगे। ये वन कम वर्षा वाले पठारी या मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं। इनमें कटीले वृक्ष कीकर, खैर, बबूल, खजूर, नागफनी आदि पाए जाते हैं। फिर चौथा है पर्वतीय वन। इनमें शंकुआकार वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष देवदार, सिल्वर, फर, ओक, चेस्टनट, चीड़ आदि हैं। फिर पांचवा प्रकार है ज्वारी या दलदली वन। इस प्रकार के वन डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिस कारण इन्हें सुंदर वन भी कहते हैं। तो इस तरह से आप छात्र अध्यापिका क्रिया लिख लीजिएगा। और फिर आपको छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व देखेंगे, या फिर ध्यान पूर्वक देखेंगे व समझेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न में आप कई सारे प्रश्न डालेंगे, जैसे मैंने डाला है प्रश्न एक, भारतीय वनों के प्रकार बताइए। इसी तरह आप और भी प्रश्न डाल लीजिएगा। जैसे प्रश्न दो है, पर्वतीय वनों के वृक्षों का नाम बताइए। प्रश्न तीन है, सदाबहार वन के कुछ वृक्षों के नाम बताइए। प्रश्न चार है, मानसूनी वन किसे कहते हैं। अब इसके बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे, श्यामपट कार्य। तो श्यामपट कार्य में आप बोधात्मक प्रश्न के उत्तर लिख लीजिएगा, जैसे कि मैंने लिखा है दो प्रश्नों के उत्तर। उत्तर एक है, भारत में पांच प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, तीसरा है मरुस्थली वन, चौथा है पर्वती वन, पांचवा है दलदली वन। इसी तरह आप उत्तर दो लिख लेंगे, पर्वती वन के वृक्ष के नाम सिल्वर, फर, देवदार, चीड़, ओक आदि है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। तो इसमें आप लिख लेंगे, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में आप लिख लीजिएगा विभिन्न प्रकार के वनों के नाम, उनके लक्षण एवं उनसे संबंधित वृक्षों का एक चार्ट अपनी कॉपी पर बनाएं। तो इस तरह से आपकी यह पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहे तो इसे और आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पे एक भारत का मैप बनाकर लगा सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन के क्षेत्रों को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इस पाठ योजना से संबंधित कोई भी समस्या आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।